मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव जी ने भारतीय जनता पार्टी के गौरवशाली 40वें वर्ष की पार्टी के करोड़ों समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई दी। श्री गोपाल भार्गव जी ने कहा कि भाजपा राजनीति में उच्च आदर्श के साथ मां भारती को विश्व गुरु बनाने के लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में कृत संकल्पित है। आप देख रहे हैं राजधानी समाचार से सागर से संवाददाता रोहित अहिरवार की रिपोर्ट। स्थापना दिवस है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले जनसंघ, उसके बाद में जनता पार्टी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस देश में परिवर्तन लाने का, देश को तरक्की और विकास के मार्ग पर ले जाने का और भारत का नाम दुनिया में अग्रणी देश के रूप में जाना जाए, इसके लिए हमारे नेताओं ने अथक परिश्रम किया और उसी की परिणति यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस पार्टी के 40 वर्ष पहले जब स्थापना हुई थी, उस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी को जब ज्वाइन किया था तो मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, सिर्फ दो सांसद भारतीय जनता पार्टी के देश में हुआ करते थे, एक गुजरात से, दूसरा आंध्र प्रदेश से। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उसी भारतीय जनता पार्टी का जो पौधारोपण हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया था, वह अब एक वट वृक्ष बन के तैयार हो गया, जिसकी छाया में पूरा देश पलता आगे बढ़ रहा है। हमारे 333 सांसद हैं, हमारे करीब दो दर्जन राज्यों में हमारा संगठन इतना अच्छा है कि हमारी विधानसभाओं में या तो हमारे मुख्यमंत्री हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं। वो इतना बड़ा राजनीतिक दल जिसके सबसे सर्वाधिक सांसद विधानसभाओं में, सब सर्वाधिक विधायक हों, तो मैं मान के चलता हूं कि यह हमारे नेताओं का अथक परिश्रम और कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और इसके साथ ही पार्टी के दूरदृष्टि और उसका सक्षम नेतृत्व, तो साथ ही स्पष्टवादिता और जनोन्मुखी कार्यक्रम ही इसके संगठन के लिए बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान कर चुके। मैं आज के दिन उम्मीद और आशा करता हूं कि हमारी पार्टी नए परिवेश में भी अपनी सार्थकता सिद्ध करेगी। हमारे कार्यकर्ता इसके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, नेतृत्व मेहनत कर रहा है। आज कोरोना की परिस्थिति, पूरा देश और पूरा संसार, विश्व प्रभावित हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा कुशल नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, पूरा देश जो आगे बढ़ रहा है और इस संक्रमण से अपेक्षाकृत जो विकसित देश हैं, बहुत अधिक विकसित है हमसे, जिनमें चिकित्सीय सुविधाएं हैं, इन सबके बावजूद भी हमारा देश काफी कम प्रभावित हुआ है कोरोना रोग से। वह इसी कारण से क्योंकि हमें एक प्रभावी नेतृत्व मिला है जिसके निर्देश को, जिसके आदेश को, जिसकी व्यवस्थाओं को पूरा देश मान रहा है। और इसलिए मैं मान के चलता हूं कि उस कारण से भी यह संक्रमण हमारे देश में उतना नहीं है जितना कि अन्य पाश्चात्य देशों में, विकसित देश अमेरिका जैसे देशों में है। मैं पुनः कामना करता हूं कि यह हमारा दल और ज्यादा आगे बढ़े। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कार्यकर्ता बंधुओं के लिए और नेतृत्व के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।